अक्टूबर में जी आज भी सर ये एग्जीबिशन सर कैसे चेंजेस ला सकते हैं सर? मुझे ये प्रसन्नता है देख करके आज नॉर्थ ईस्ट पीएवी वालों ने जो एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की है बहुत लार्ज स्केल पर अच्छे स्केल पर प्रारंभ की है और इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और साथ में रेयर पिक्चर्स कलेक्ट किए हैं उनको डिपिक्ट किया गया है और जो पहला सीन इन्होंने ट्रेन का दिखाया है वास्तव में मार्मिक है बहुत इम्प्रेसिव है और मैंने सुझाव दिया है कि हमें इस प्रकार की ट्रेन जो है पूरे देश के अंदर चलानी चाहिए गांधी जी की उसमें सारी जीवनी दिखाते हुए ट्रेन के अंदर जगह जगह ट्रेन रुकती हुई जाए पूरे देश के अंदर पूरा साल हमारे पास है ये करने के लिए और साथ ही मैं ये महसूस करता हूँ कि गांधी जी ने जो हमें अहिंसा का संदेश दिया था जो सत्याग्रह का साधन दिया था जिस प्रकार से उन्हें अहिंसा और सत्याग्रह के आधार पर अंग्रेज़ों को यहाँ से बाहर जाने के लिए देश से मजबूर कर दिया ये इस बात को सिद्ध करता है कि उस समय ये एक ऐसा टूल था जो किसी भी शस्त्र से ज़्यादा पावरफुल था किंतु मेरा ये मानना है कि आज भी ये अस्त्र सबसे ज़्यादा पावरफुल है अणु बम या हमारे केमिकल बॉम्ब से भी ज़्यादा पावरफुल बॉम्ब ये है जिसे आज विश्व ने स्वीकार किया है इस पावन अवसर पर मैं बापू जी के चरणों में नमन करता हूं और असम वासियों को इस पावन अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं और असम वासियों से अपील करता हूं बहुत सुंदर ये एग्जीबिशन है इसको देखने के लिए अवश्य आएँ।